जय श्रीमन्नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहे बा रामानुज दास श्रीमान गट्टू बेणु गोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 14 गुण त्रय विभाग योग श्लोक 11। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। ओम। गीता चार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सब के गुणत्रय विभाग योग से कह रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न अर्जुन, जब पंच इंद्रियन जैसन सब द्वार से ज्ञान के रोशन कहल जाला ता ई संकेत देत बा कि सत्य प्रधान बा, बाकी दो गुण के दबा देला। एकर मतलब बा अर्जुन, अगर रउआ आपन पंच इंद्रियन आँख नाक कान जीव और त्वचा के माध्यम से संसार के सच्चा ज्ञान प्राप्त कर रहल बानी ता ई बात के संकेत बा कि सत्य गुण रउआ के में व्याप्त बा। आई से सत्य गुण की साधना करे खातिर और रजोगुण तमोगुण के वश में करे खातिर और ई तीनों गुणन से बंधे से बचे खातिर हमनी के श्रीमन नारायण के हाथ में निमित्त के काम करत श्री कृष्ण परमात्मा और श्रीमान नारायण की सेवा के रूप में अपन सब कर्म करे के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा के उपदेश पर ध्यान करत हमनी के श्रीमन नारायण की प्राप्त के प्रयोजन खातिर अपन देह के प्रयोग करे लागल जाए। हमनी के श्रीमन नारायण के सामने आत्मसमर्पण कहिल जाए और श्री कृष्ण के वचन के श्लोक के रूप में दोहरावल की कोशिश करी जा। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युत। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18 के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाही। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग का दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाही कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसरा वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास हुआ कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहां आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के सातवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम एक श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के आठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गहलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण,
हम उई करम जौन तू करई का कहब, हम ऐसन विहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल की हम उई करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण करशे वचनम त्वा, श्रीमन नारायण हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। ॐ सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता। जय श्रीमन्नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहला। एकरा खातिर आइए रोजाना एक मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई जो www.narayanashram.org है और पंजीकरण में अपन नाम और ईमेल दर्ज करें। आपके द्वारा प्रदान कई गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का एक दौर, श्रीमद् भगवत गीता पुराण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्त्रोत पुराण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा जौन हर एक दिन ऐश्करे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।